इस यूनिट का आज का लास्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। ट्रांसफार्मर गया हुआ कंप्लीट, एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस। ओके, नाउ सी व्हाट आर इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस। पहली बात, कौन सा सर्किट इसको प्रोड्यूस कर लेता है, क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट अबाउट द एनर्जी। तो पहले हम लिखेंगे एलसी ऑसिलेशंस क्या होती है। The exchange of electrical energy, the exchange of electrical energy stored by a capacitor. Stored by a capacitor and magnetic energy stored by an inductor. Stored by an inductor give a rise to the oscillations, give rise to the oscillations called LC oscillations. Give rise to the oscillations called LC ऑसिलेशंस। ठीक है बेटा, आप जानते हो जब हम एक कैपेसिटर को लेंगे, अगर ये कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज्ड होगा, क्या आसी ये फुल्ली चार्ज्ड, गो आख प्लेट आसिस पॉजिटिवली चार्ज्ड मगर फुल चार्ज करे, ब्याह प्लेट आसिस डेफिनेटली क्या चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। बात कीजिए तो इनके दरमियान जो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, सो पोटेंशियल डिफरेंस आसा बराबर क्यू डिवाइडेड बाई सी एस। सर कहां से रिलेशन आपने लाई, एक कैपेसिटर की रिलेशन आपने पढ़ी है क्यू इज इक्वल टू सी वी, पढ़ी है ना, Q is equal to C, V is potential difference, C is capacitance and Q is, अगर आप V यहां से कैलकुलेट करोगे that is Q divided by C. तो अगर देखेंगे तो ये एक छोटी बैटरी होती है, ठीक है ना, एक बैटरी जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है, सो इट स्टोर्स एनर्जी, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। बात समझिए, ठीक है ना, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पे एनर्जी भी होगी, ठीक है ना, वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, पढ़ चुके हो वन हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, याद है विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वन हाफ ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई सी, ऐसा ही है वन हाफ ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई सी, कैन सी स्क्वायर वो कबरो अश वन हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर छह, ये क्या तो वो अगर v बदले इस्तेमाल इस करो तो क्या q by
सी ठीक छ ये गस आसन क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी सो गो वन हाफ ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय वीएस क्या करो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर सी तो सी कैंसिल इट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी गो आफ कैपेसिटरस मज कोचा एनर्जी अस वन हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर या वन हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ठीक छ अगर ये इस कनेक्ट करो इन पैरेलल्स विद इंडक्टर इन पैरेलल्स विद इंडक्टर इंडक्टर चासा सिंपली कॉइल ऑफ नेगलिजिबल रेजिस्टेंस अभी आप मत बनाइए मैं डायग्राम बना लूंगा तो मैं तेले ये कहीं नेगेटिव चार्ज ये कहीं पॉजिटिव चार्ज इसमें तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे गसना गसना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो गुड तला बनियो तेले डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आसी शाबाश पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है ना यानी इस कैपेसिटर को अगर हम एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ये कैपेसिटर्स गैसी डिस्चार्जिंग ठीक है ना लेकिन इससे क्या हो जाएगा इस इंडक्टर में करंट फ्लो हो जाएगी मगर आप इंडक्टर्स में ये करंट फ्लो गैसी ये गैसा एब्रप्टली डिस्चार्ज कि नहीं ये गैसी ग्रेजुअली डिस्चार्ज वार वार गैसा कि एक साथ गैसी सॉरी इलेक्ट्रॉन्स गैसन एक साथ ऑन फ्लो ऐसा पॉसिबल है क्या इस एमन से मेला रेजिस्टिव पाथ एमन चन मेला फ्री पाथ चलिए ठीक है वो तो मतलब वो ये यत मस करंट फ्लो गई ये करंट क्या कर प्रोड्यूस शाबाश मैग्नेटिक फील्ड छ करंट का स्लोली इंक्रीज पद गस बे डिक्रीज ठीक क्या इस बॉड का सन चार्जेस फ्लो लार्ज पैमानस पे पद गस वार वार गस डिक्रीज क्या गस ये डिक्रीज क्या ये डेंसिटी ऑफ द चार्ज गस ना कम सिज कथा छ गण तो स्त्रु कूलम पोटेंशियल डिफरेंस पद बनाई वो है फ्लो गस डिक्रीज के इंक्रीज डिक्रीज पद बनाई 10 कूलम फ्लो गस डिक्रीज के इंक्रीज डिक्रीज गो ग्रेजुअल डिक्रीज गस ग्रेजुअल डिस्चार्जिंग गस करंट गस वेरी तेल के सो गस रोज कांस्टेंट वेरी ये करंट वेरी सो क्या कर प्रोड्यूस वेरीइंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर प्रोड्यूस वेरीइंग मैग्नेटिक फील्ड वेरीइंग मैग्नेटिक फील्ड मा कर प्रोड्यूस वेरीइंग फ्लक्स ठीक छ कहानी थ जो याद ये क्या कर प्रोड्यूस वेरीइंग फ्लक्स मा कर आत्मज प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर प्रोड्यूस मगर से इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज ऑलवेज अपोजिट टू द कॉज क्या वाज अपोजिट टू द कॉज ठीक है ना को इसलिए ये एनर्जी यूज यमस एनर्जी गई डिक्रीज गए ना एमस एनर्जी गई कंज्यूम एमस एनर्जी गई यूज ये कथ मज आई वापस ऐसे एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर कोचा एनर्जी छ स्टोर कर इट इज 1 हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर ठीक छ आसा 1 हाफ ऑफ एल आई नॉट छ स्टेट लिख मत बेशन फरक की so it is 1 half of l I square right that's that kya sab log aur rose gas okay go ye kos energy us electrical energy ye ka energy mas gai convert tele magnetic energy mas ka mas कैजुअल ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस तेली गो आत्मज इंडक्शन तेली गई आत्मज एनर्जी स्टोर गई ना गुड गो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई कन्वर्ट कथमस ये कंप्लीटली डिस्चार्ज गसी ठीक तीतस कॉलस क्या आस यथमस गुमत प्रोड्यूस इंड्यूस्ड सो क्या कर फ्लो पत पनी करंट कर ना सो करंट आसा अपोजिट डायरेक्शनस मस कैन सेम डायरेक्शनस मस अपोजिट डायरेक्शनस मस ये ली कैपेसिटरस बे चार्जिंग गसे ये प्लेट ओस टॉटस नेगेटिव वो क्या गसे गसन पॉजिटिव ये प्लेट ओस पॉजिटिव ये क्या गसे गसन नेगेटिवली चार्जड ये क्या बनते ली प
positively charged بنه گو تو مطلب گو یتس کالس یہ کرنٹ ہک فلو کرت یعنی یہ بن میکسیمم چارج یا انرجی گئی سٹور میکسیمم یہ گو بی بنیو بی چارجڈ بنن یلی بی چارجڈ بنیو مگر بنیو اپوزٹ ڈائریکشنز کا ڈائریکشنز مس گو یم سوز میگنیٹک انرجی کات مس گئی تل کنورٹ بی واپس کات کریو الیکٹریکل انرجی مس کات مس الیکٹریکل एनर्जी बन मैक्सिमम चार्जिंग प्रोसेस गई स्टॉप चार्जिंग प्रोसेस क्या गई स्टॉप इसलिए पे प्रोसेस डिस्चार्जिंग स्टार्ट क्या करिए करंट फ्लो कथ इंडक्टरस मत क्या प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस फ्लक्स फ्लक्स क्या इंडक्शन गो ये प्रोसेस रोज अत कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इंटू उसी को हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशन द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ क्या ये क्या कर पानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सर्टेन एक्सचेंज इंडक्टरस मगर बनोनस कुछ एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी सो मैग्नेटिक एनर्जी क्या बनो पद बे वापस ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बनो बे वापस तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एलसी और डेफिनेशन आपने जो डाल दी है द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर चाहे गो मत मस्ती बाय ए कैपेसिटर and magnetic energy stored by an inductor gives rise to oscillations called LC oscillations. आप मेरी बात समझ गए या फिर से समझा दो गया क्लियर का गया क्लियर का नोट कीजिए सो आगे लिखेंगे आप सो an inductor of inductance L an inductor of inductance L and capacitance C connected in parallels is called LC circuit is called LC circuit or tank circuit क्या सर्किट बनान छिस टैंक सर्किट गो एल सर्किट ऐसे देख लीजिए ये L है और ये कैपेसिटर C कनेक्टेड इन पैरेलल्स यो माइनस 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 प्लस 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 ठीक इसकी कैपेसिटेंस C इसकी इंडक्टेंस L ठीक है तो हम स्टार्ट कर लेंगे टैंक सर्किट व्हेन capacitor is fully charged then आपका capacitor अभी fully charged है ये सारे चार्ज स्टोर है करे तीसरा चार्ज है एम स्टोर करमज then potential difference is equal to किसके बराबर होगी potential difference v के बराबर वही V किसके बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय C क्लियर हाँ इतनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी तो मुझे बताइए एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर लेकिन वो हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए वन हाफ ऑफ
q square divided by c, 1/2 of q square divided by c. तो पहला पॉइंट हम लेंगे when capacitor A begins to discharge. गो ییٚلہِ یہِ اِنڈکٹر سۭتۍ کَنیکٹ کَرون چارجِز گژھن فلو گژھن کیازِ پازِٹِو چارجِز کَمن کَرن اٹریکٹ نیگیٹِو چارج تھرو دَ اِنڈکٹر سو وین کیپیسِٹر بِگینز ٹو ڈِسچارج تھرو اِنڈکٹر ٹھیک ہے جو جب چارجِز فلو ہو جائیں گے تب کیا پروڈیوس ہوگی ये करंट चाहिए चार्जेस फुल होगा सनद क्या गैस प्रोड्यूस करंट सो करंट फ्लोज थ्रू इंडक्टर विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी करी ना प्रोड्यूस and hence magnetic flux phi field B or flux B ठीक है इससे क्या होगा yes induction takes place बिल्कुल ठीक इंडक्शन टेक्स प्लेस एंड एंड दैट इज एंड नहीं है दैट इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड in the inductor in same direction या opposite direction बिल्कुल ठीक है in opposite direction in opposite direction तो अगर हम यहां पे फिर से डायग्राम बना लेंगे ये कैपेसिटर है नेगेटिव चार्ज इसकी यहां से पॉजिटिव यहां से वो नेगेटिव कैसी अपर फ्लो डायरेक्शन ऑफ करंट गई है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट वो क्लॉक वाइज योर किन किन शाबाश clockwise I can anti clockwise 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 bane tel your kin south pole kin north pole tala your kin kya bane tel north pole yel magnetic field is direction to you choose bane ki ye te bane magnetic field is direction wo cho is tarah hogi magar yim jay north pole is kya outwards north pole is outwards साउथ पोलस क्या गई सो इनवर्ड्स कथ समझिजो एट ठीक है इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है ना तो क्या हम यहां पे बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी नोट कीजिए इलेक्ट्रिकल energy is converted into magnetic energy ठीक है कौन सी एनर्जी कथ मज गई कन्वर्ट क्या इस कैपेसिटर का गो डिस्चार्ज का चार्ज क्या गई इस कम पोटेंशियल डिफरेंस क्या गई इस कम एनर्जी क्या गई इस कम सो कथ मज गई होड अपीयर एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर सो गए मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी सो क्या गई मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी नसी व्हेन
magnetic energy becomes maximum. Banaya maximum ye? The process stops. The process stops. ये एनर्जी आत्मा स्टोर गई क्या एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी एम पद क्या गई प्रोसेस स्टॉप मगर तीतिस कालस क्या आसी यत मज गुमुत प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएम वो गैस करंट फ्लो तेमी सत ठीक छ मगर कथ अपोजिट डायरेक्शंस नाउ द कैपेसिटर बिगिंस टू रिचार्ज Now the capacitor begins to recharge. Gai bya process go start. Ye go inductor. Haan. Ye go capacitor. Wo gas recharging start. Ota tamat kya os ya charge. Your kin kis. Magar ho chas na opposite direction as means. Ye bani wo positive. Shabash. Ye kya bani wo? Negative. So capacitor begins to recharge. In opposite direction. In opposite direction. Capacitor begins to recharge in opposite direction. Yehi opposite direction us mas recharging ya dajbehi gasne. Go ye magnetic energy kath mas gastil convert. Electrical energy must ठीक वो लिखा बहुत छोट छोटे good so magnetic energy is converted into कहतो electrical energy that is converted into electrical energy Good. When electrical energy becomes maximum, electrical energy becomes, यानी वो उसी ये मिस करन क्या? क्यों उस करन? रिचार्जिंग क्या करें रिचार्जिंग ये बना वो फुल्ली चार्जड फुल एनर्जी क्या गईस व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम द प्रोसेस स्टॉप्स द प्रोसेस स्टॉप्स गो ये एनर्जी आईस भी वापस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है गुड एम पद क्या गैस बना हुआ वापस चार्जड ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर गई क्या कर वो भी वापस डिस्चार्जिंग क्या कह रही है डिस्चार्जिंग नाउ द कैपेसिटर देन बिकम्स बिगिंस टू डिस्चार्ज बिगिंस टू discharge now begins to discharge chasati go yeli be discharging at gasi wo kos energy loj be wapas convert gasne kos energy yes the magnetic energy na the electrical energy gets converted Get us converted into the capacitor, then begins to discharge. Go what? Go. What kind of energy get converted? Electrical. Consumers get converted into magnetic energy. Magnetic energy. ठीक sir. Go. Papa now ये का diagram भी. ऐसे ये inductor है. ये गोस कैपेसिटर ये पॉजिटिव पॉजिटिव योर किन
It is a negative. Tala wikinas vuchto to agar yet banavo is magnetic field. Kya banavo ya godnik port ken in opposite direction. Godniki port hai ken opposite direction asmas. Good. Kya yet was outwards, yet he were inwards. Yet he were inwards. Take share. Yet yes were outwards. Clear? Kya is wikinas bani yet south, north, yet bani south. So, it gets converted into the magnetic energy. Clear? Okay. Magar ye process koitas kalas chali? Ye tas kalas kya gaisi? Magnetic energy kya bani? Khataro. Capacitor then begins to come kus energy gasan? Decrease kus gasan? Capacitors must go store energy. Yell ye discharging at gai, charge gai na kam. Energy kya gai? Decrease. Hor kus energy gai develop? Magnetic energy. Gai na? Go. Capacitor begins to discharge. Electrical energy gets converted into the? Mukus energy by maximum? Electros. When the magnetic energy, when? The magnetic energy, when the magnetic energy becomes maximum, process stops for a while. Yani ishan roza patan sham don be tik rest smas na ishi instantly for a moment stop kasa process kasa reverse process kya shugasan reverse. So when magnetic energy becomes maximum, theek chha, tel kya guys? Again the capacitor becomes, begins to recharge. Again the capacitor becomes, then the capacitor begins to recharge. It begins to recharge. It begins to recharge in opposite direction. In opposite direction. What likhe tu ye samjhao ye bhi. In opposite direction. That is magnetic energy. Magnetic energy gets converted into electrical energy. Again, the process repeats. Again, the process repeats. So, hum yahan pe phir se pahunch gaye. फिर से पहुंच गए हम यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे माइनस 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 ऐसे एल और सी एंड द प्रोसेस रिपीट्स. वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मगर ये तुम कह रही असल क्वेश्चन पढ़ो आत बस गैसन कहा है कंफ्यूजन. सुनिए मेरी बात. ये आपने लिखा आप अपना पेन को सरेंडर कर लीजिए ठीक करंट हज डायरेक्शन क्या डायरेक्शन बनाइए ख्याल थो कमिच डायरेक्शन बनाइए करंट हज डायरेक्शन मतलब वन ये कस करंट ग क्लॉक वाइज मगज थे कस करंट एंटी क्लॉक ये पोल क्या बनाव साउथ ये पोल क्या बनाव अत क्या गो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड साउथ क्या डायरेक्शन
inwards. Yet kya chhu saasa direction? Outwards. Clear? Ho moon to tele. Aise bano. Yem jai hai kono isya charge thoyet ki. Theek chhe? Makliya maslay. Yem sans charge gayi khatam. Gaya? Magar itis kalas kya yath mus produce gumut? Shabash induced EMF. Kya? Induced EMF. Theek. गो ये गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म सो कथ मज गई कन्वर्ट मैग्नेटिक एनर्जी मज कथ मज मैग्नेटिक एनर्जी ठीक प्रोसेस गई स्टॉप येमिस मकलाय चार्ज मकलायस न वो बनो वेसी ये येतास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर गई वो कर ये पनई करंट स्टार्ट करे ना ये पनई करंट स्टार्ट करे क्योंकि यत मज गस बी चार्ज डेवलप येमसोस एनर्जी गस कम यमसस एनर्जी गस इंक्रीज गो कैपेसिटरस गस बी रिचार्जिंग क्या गस रिचार्जिंग मगर कत डायरेक्शनस मस अपोजिट डायरेक्शनस मस अपोजिट गो ये क्या होस ये क्या होस ये क्या बन तेली ये नेगेटिव ये क्या बने टीचर्स कॉलस ये टीचर्स कॉलस ये बन फुल चार्ज क्या बने फुल चार्ज बने यमस आस मैग्नेटिक एनर्जी गई कंज्यूम यमस गई स्टोर कुस एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक ये प्रोसेस चले तो तमाम यमस बन मैक्सिमम एनर्जी यमस एनर्जी गई कंज्यूम वो आज गई कन्वर्जन मैग्नेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक गुड वो कोस एनर्जी बने आई यम जाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने आई ना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने आई को तो मतलब वो मैक्सिमम बनाओ प्रोसेस गैस फिर भी वापस एरिया वनियरन इलेक्ट्रॉन यख डायरेक्शनस मस मगर पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शनस मस करंट क्या गस तेलम अपोजिट डायरेक्शन ठीक गो अगर सु प्रोसेस यम जाय गस हाओ ये बन तेल विकेनस कुस पोल नॉर्थ ये क्या बन पोल ये बन्या साउथ पोल क्या पोल बन्या साउथ पोल ये मस छन एस चार्ज हाओ यम जाय की जरूरत ठीक छ गो ये क्या पोल बन्या विकेनस नॉर्थ पोल ये क्या पोल बन्या विकेनस साउथ पोल गो यमसस एनर्जी गई खत्म यमसस एनर्जी गई स्टोर गई ना गो आज गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कथ मज मैग्नेटिक एनर्जी मज काक एनर्जी मज गई कन्वर्ट मैग्नेटिक एनर्जी मज मुकेनस कोस एनर्जी छ यमस मैग्नेटिक छ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या छ यत व जीरो यत यमसस जीरो बन्या यमसस मैक्सिमम प्रोसेस फिर बे वापस फिरा बे वापस गो मगर विकेनस छ पोलैरिटी अपोजिट गो अगर ये बे प्रोसेस स्टार्ट करे ये वास पॉजिटिव नेगेटिव ये बन्या नेगेटिव पॉजिटिव वो क्या गसि बनु पॉजिटिव नेगेटिव गो ये बे वापस ये बन पॉजिटिव ही क्या बने इसमें वो फर्स्ट केस अस पर बे वापस गो ये प्रोसेस क्या गई आई पे ठीक छ तो नोट कीजिए हेंस इन एलसी सर्किट Hence in LC circuit. Hence in the variation of the charge. Variation of the charge with respect to time. With respect to time gives electrical energy and variation of current with respect to time and variation of current with respect to time gives magnetic energy क्या है चार्ज कम ज्यादा गसन गो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गए चार्ज करंट फ्लो गसन गए मैग्नेटिक एनर्जी कैज मैग्नेटिक एनर्जी छ गस प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट करंट छ ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करन ओके लिखियो सगो ब्रो द ऑसिलेशंस are called damped oscillations the oscillations are called damped
tapered oscillations when there is no loss of energy. When there is no loss of energy, hence amplitude of oscillations remains constant. Amplitude of oscillations remains constant. तो हम इस तरह लिखेंगे, अगर amplitude of the oscillations रोज constant, तो क्या बनाओ ये मन? The oscillations are called damped oscillations when there is loss of energy. Hence, amplitude of the oscillations does not remain constant. Hence, the amplitude of the oscillations does not remain constant. But agar is one of oscillations of the type, gornat amplitude zyad, uske baad amplitude khatam. Amon chwana damped oscillations. Kya shikwana? Damped oscillations. Go yuta exchange of energy starts go. Yuta chan empath ka sam with the passage of time chiga san decrease. Thik? Go in LC circuit, the oscillations are damped. Go LC circuit is most common oscillations to produce gasan. Damped oscillations. Case. Acha loss of energy gasan. Yes. Because there is a loss of energy due to resistance. Go, kaise coil is aasa resistance. Us hakun da su inductor use kare ki apne kahi resistance aas. Aisa conductor hamare paas nahi hai. Hum copper istemal karte hain, phir bhi copper ki resistance hoti hai. Isliye so resistance kya karan che? Loss of the energy. So loss kath mas convert gasa into the heat energy, which gets converted into heat energy. Clear? Uske baad next point, the oscillations are called undamped. Oscillations are called undamped. Undamped को यहलने amplitude रोजी, मतलब यहले amplitude constant रोजी, यहलने loss of energy कैसी, कि undamped when there is no loss of energy, the amplitude remains constant. Lekin practically to aisa possible nahi hai. Theek? Theory ke hisab se to humne kaha ki yahan pe oscillations produce ho jati hai. Theory hisab kya wo aisi ki aisa such kasam produce oscillations. Yaman is vanan to electrical oscillations. Sorry, everyone is one of LC oscillations. Electrical energy maximum, but the same decrease. I want magnetic energy maximum. Who minimum, ye maximum. Who minimum, ye maximum. What is one LC oscillations? At karo mathematical proof. Take sure? Let Q is equal to charge of a capacitor at any instant and I is equal to current
इन द इंडक्टर यानी कुंती विज वुछव इस कोजा चार्ज आस कैपेसिटर्स क्यू मगर इंडक्टर्स मज कोजा करंट आसे आई आप आप चीज गो मस्ती गब्रो इम जाय बने गया डैम्पड आसे अनडैम्पड ऑसिलेशन गई की हम यमन एम्पलीट्यूड डिक्रीज गस की अच्छी बात वन यू एच कुस एनर्जी गसा कन्वर्ट कख मज गसा कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल गसा कख मज मैग्नेटिक एनर्जी मज या मैग्नेटिक एनर्जी गसा कन्वर्ट कख मज अच्छा बस हेकवा ते लिखित क्यू डिवाइडेड बाय सी ये गए पोटेंशियल डिफरेंस के मिच कैपेसिटर एम आस प्रोड्यूस कर मन माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाय डी टी एम आस इसी पोटेंशियल डिफरेंस का मस प्रोड्यूस कर मस इंडक्टर अस मस ये सब पोटेंशियल डिफरेंस सपोज काम गए कथ कैपेसिटर तेते आस इंड्यूस गमस कथ इंडक्टर मगर अपोजिट डायरेक्शन अस मस ठीक छ हाथ से गो तो मैं लिखो दिल एल डी आई डिवाइडेड बाय डी टी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू जीरो पता चुवा समझो पर चुवा आई वो बराबर मैं बात सं डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी एस क्या जी का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तेल मां बनी एल इनटू डी बाय डी टी ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू जीरो आवा के हिसाब गौरव चलिए ठीक है तो आप जानते होंगे एल डी टू क्यू डिवाइडेड बाई डी टी टू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू जीरो डबल डिफरेंशिएशन आए ना गुड एल सेकंड डिवाइड एल सेकंड डिवाइड L से डिवाइड L से डिवाइड L से डिवाइड सो गो D2 Q डिवाइडेड बाय DT2 प्लस Q डिवाइडेड बाय LC इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय L गो 0 ठीक छ आप सब वर्ते बनो सब में तेले ओमेगा स्क्वायर कार बराबर आसा 1 डिवाइडेड बाय LCS राथी फॉर्मूला रेजोनेंसस मस क्या करबोत सो 1 बाय LC बदल सुगो तेरे D2 Q डिवाइडेड बाय DT2 प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इज इक्वल टू 0 ठीक है नोट कीजिए दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दैट This equation is similar to the differential equation of simple harmonic motion that is d2x divided by dt2 plus omega square x is equal to zero. ये ऐसी ही इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू डी टू एक्स डिवाइडेड बाय डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो को ओमेगा स्क्वायर बदल क्या नहीं होता है वन डिवाइडेड बाय एल सी ओमेगा कथ बराबर गो वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी ओमेगा को बराबर 2 पाई न्यू अस 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एलसी न्यू को बराबर 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी ठीक है पढ़ चुके हो ये देखो दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ This is a natural frequency of LC oscillations.
This is natural frequency of जल्दी करो. This is natural frequency of LC oscillations. Clear? This is natural frequency of LC oscillations. Hence, the charge varies according to the relation. According to the relation. Hence, the charge varies according to the relation Q is equal to Q naught cos of omega t. Q is equal to Q naught cos of omega t. तो variation of charge क्या हो सकती है? Q is equal to Q naught cos of omega t. ये इक्वेशन कट आए, ये गए इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या गई है? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या यह वेरिएशन गसन इक्वेशन द्राय ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द्राइस द डिफरेंशियल इक्वेशन. इसलिए ये है कोनेस रिप्रेजेंट करेड बाय दिस क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. अगर तो याद आए मैंने पढ़ाया है अच्छा सा वाई इज इक्वल टू ए ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी या आसान छ ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. ए कॉस ऑफ ओमेगा टी वाई इज इक्वल टू गर दीजो नजर अत इसमें पर उस लास्ट ईयर पर नॉर्मल ठीक है. नेक्स्ट अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैपेसिटर में चार्ज स्टार्ट में क्या होती है मैक्सिमम या मिनिमम. मैक्सिमम छ आसान किन मिनिमम मैक्सिमम ये पत पूछो इस चार्ज इस का सेंट डिक्रीज डिक्रीज होने के बाद इस तरह का ग्राफ इसमें बन जाएगा. गो ये गए चार्ज क्यों मगर जब सा चार्ज मैक्सिमम तब सातन छ इंडक्टर्स में करंट आसा जीरो तब सा क्या आसा करंट तात में जीरो वो तब साथ गए करंट जीरो मगर ये चार्ज आसान छ कैपेसिटरस में मिनिमम करंट छ आसा होत में मैक्सिमम वो तो मतलब को इसने मोने के ये ग्राफ पत बनाए ऐसे. तो इस तरह का ग्राफ होगा यह वन ऑफ सी का आई दिस गिव्स द वेरिएशन ऑफ क्यू एंड आई. चार्ज मैक्सिमम करंट मिनिमम ठीक छ यम जाएगे चार्ज मिनिमम मगर तम साथ अच्छा सा इंडक्टरस में करंट मैक्सिमम या एनर्जी बनो वैसे ये गए मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साथ में क्या मैग्नेटिक एनर्जी जीरो. ये जो मैग्नेटिक एनर्जी क्या बने मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बने जीरो. चलो ये तक मन तो यम जाए क्या बने मैग्नेटिक एनर्जी जीरो. आई गिव्स द राइज टू द मैग्नेटिक एनर्जी क्यू गिव्स टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक छ good. So here we can say magnetic energy zero magar electrical energy maximum theek hai. To ye process isi tarah ki hoti hai isi ko hum kehte hain lc oscillations. Kya swanan lc oscillations. Now total energy last point total energy is in dependent of time. Total energy is independent of time and total energy also remains constant. It remains constant. Hello, when you go bro, UB ka barabar ko magnetic energy 1 half of LI square. UB ka barabar ko 1 half of LI padhaya hai maine. Hello, when you Q ka barabar Q naught cos of omega t. Clear? When you I का बराबर dQ divided by dTs, when you I का बराबर d by dT of कर्तोसिन Q naught cos of omega t, करो इस differentiation से को Q naught cos is गई differentiation minus sine sine of omega t, बिगेस omega t goes omega t is differentiation. तेलों बिस्मिल्लाह करे तो त्रयोन यू बी एस मंस
चलो यू बी कथ बराबर नीर तेल वन हाफ ऑफ एल बी क्या गोस आई स्क्वायर माइनस बन प्लस ये बन क्यू स्क्वायर ये बन ओमेगा स्क्वायर ये बन साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी चलो यू बी कथ बराबर बन वन हाफ ऑफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ये गो वन डिवाइडेड बाय एल सी ये गो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या ओमेगा स्क्वायर छ आसा वन बाय एल सी एल तो एल गैसी कैंसल सो द्राउ तेल यू बी इज इक्वल आ गो वन हाफ ओस्ती बी गो क्यू नॉट स्क्वायर ओस्ती एल तो एल कैंसल डिवाइडेड बाय सी मगर गो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये गई फर्स्ट इक्वेशन क्या इक्वेशन गई है फर्स्ट इक्वेशन एम पत नी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलो यू ई कत बराबर छ आसन वन हाफ ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर ते छ आसन सो गो बराबर तेल वन हाफ ऑफ सॉरी सी स्क्वायर ने क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ये क्या सो गो क्यू उस वैल्यू पानो निके सो गो क्यू स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय सी ठीक ये गई इलेक्ट्रिक एनर्जी चलो टोटल एनर्जी कथ बराबर मिलते सो गो यू बी प्लस यू ई यू बी गो बराबर ऐसे वन हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी डिवाइडेड बाय सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये ड्रा बी वन हाफ ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तला कट तो सी कॉमन है के नियर वन हाफ ऑफ क्यू सी क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी सो गो वन इज बराबर सो ड्रा वन हाफ ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी सो टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट ठीक है तो इसको हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशंस ओके okay.